जय हिंद दोस्तों, माँ और बेटे की मज़ेदार कहानियाँ सुनाते हैं। मुन्ना को माँ ने सब्जियाँ लाने बाज़ार भेजा था। घर लौट कर उसने किचन में थैला रखा और माँ को आवाज़ देने लगा, माँ। माँ उसके छोटे भाई को कमरे में बैठा कर होमवर्क करा रही थी। मुन्ना 13 साल का था और उसका छोटा भाई बंटी 6 साल का। बड़े होने के कारण माँ उसे घर के छोटे मोटे काम करवाने लगी थी, जैसे दुकान से सामान लाना, बाज़ार से सब्जी लाना, बगीचे की साफ सफाई करना, अपनी साइकिल धोना, अपना कमरा साफ करना, अपने कपड़े फ्रेश करना आदि काम करते थे। मुन्ना काम तो करता था, लेकिन उसके मन में हमेशा रहता था कि मुझे इतना काम करना पड़ता है और इसके बदले मुझे कुछ भी नहीं मिलता। आज उसने सोच रखा था कि इस बारे में मैं अपनी माँ से बात करूँगा, लेकिन उसकी हिम्मत ही नहीं हुई। इसलिए उसने एक कागज़ में सब कुछ लिखकर माँ को देने का मन बनाया। कुछ देर बाद वह कागज़ लेकर कमरे में गया जहां उसकी माँ बंटी को होमवर्क करा रही थी। उसने चुपचाप कागज़ माँ के सामने बढ़ा दिया और माँ के कागज़ लेते ही कमरे से बाहर आ गया। माँ कागज़ पढ़ने लगी। उसमें लिखा था, माँ मैंने इस सप्ताह जो भी काम किया है उसका हिसाब इस कागज़ में लिख रहा हूँ। बाज़ार से सब्जी लाने का 50 रुपीज, बगीचे साफ सफाई का 20 रुपीज, कपड़े प्रेस करने के 20 रुपीज, साइकिल धोने के लिए 5 रुपीज, अलमारी सेट करने के लिए 5 रुपीज, कुल हिसाब 100 हुआ। माँ मुझे इन कामों के जो भी पैसे बने हैं वो पॉकेट मनी के रूप में चाहिए, आखिर कोई भी काम मुफ्त में नहीं किया जाता। और लास्ट में लिखा था, आपका बेटा मुन्ना। माँ बेटे का मैसेज पढ़कर मुस्कुराई, फिर एक कागज़ पर कुछ लिखने लगी। कुछ देर बाद वो आंगन में गई जहाँ झूले पर मुन्ना बैठा हुआ था। माँ ने कागज़ उसके आगे बढ़ा दिया। सोनू ने कागज़ लिया और पढ़ने लगा। कागज़ में लिखा था, बेटा तुमने अपना हिसाब तो मुझे बता दिया, अब मेरी बारी है, ये मेरा हिसाब है। 9 महीने मैंने तुम्हें अपनी कोख में रखा, उसकी कीमत कुछ नहीं। तुम भूखे थे जब, तब तुम्हें अपना दूध पिलाने की कीमत कुछ नहीं। तुम छोटे थे तब तुम्हारा ख्याल रखने की कीमत कुछ नहीं। तुम्हारे बीमार पड़ने पर रात रात भर जागकर तुम्हारी तीमारदारी करने की कीमत की उसकी कुछ नहीं। इन सबसे बढ़कर तुम्हारे लिए मेरे प्यार की कीमत तो लगा ही नहीं जा सकती, वो तो अनमोल है। ये पढ़कर मुन्ना की आंखें से आंसू बहने लगे। वो भागकर अपनी माँ के पास गया और उसने लिपटकर बोला, सॉरी मम्मी, मैंने कभी सोचा ही नहीं कि आपने मेरे लिए क्या क्या किया है, कितनी तकलीफें सही हैं। आई लव यू मम्मी। उसने वो कागज़ लिया और उसमें लिखा, पेड इन फुल, माँ का प्यार अनमोल है, उसकी कीमत न लगाई जा सकती है, न ही चुकाई जा सकती है। फ्रेंड्स, आपको माँ और बेटे की कहानी पसंद आई हो तो आप इसे दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और कमेंट करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और माँ के लिए एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप सभी का धन्यवाद और अपने परिवार से बहुत बहुत प्यार कीजिएगा।